बात करें रमन महर्षि की, उनकी कहानी शुरू होती है, एक लड़का साधारण सा तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहता है। 12 साल की उम्र उनकी हुई और उनके पिता का देहांत हो गया। पिता का देहांत हुआ तो वो अपने चाचा के यहाँ रहने चले गए। कोई बहुत ऐसा खास बात नहीं थी उनमें, स्कूल में पढ़ते थे और साधारण जैसे विद्यार्थी होते हैं ऐसे थे, खेलते थे, खेलकूद में बड़ा उनका रुचि थी, स्मरण शक्ति कुछ ठीक ठाक थी, याद कर लेते थे चीज़ों को। एक बड़ी खास बात ये थी कि वो सोते बहुत थे और अगर सो जाते थे तो ऐसे सोते थे कि कोई लोग उनको उठा के कहीं ले जाएं उनको पता नहीं चलता था। तो इस तरह से थोड़े से प्रसिद्ध थे वो कि ये लड़का खूब सोता है, ऐसा सो जाता है कि वो पता ही नहीं चलता। ऐसी ज़िंदगी उनकी चल रही थी। चाचा के यहाँ उनकी उम्र कोई 16 साल की हुई और 16 साल की उम्र में एक दिन वो कहीं उनके घर की छत पर बैठे थे और अचानक उनको ऐसा लगा कि वो मर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। अब 16 साल का लड़का और कोई बीमारी नहीं है, कोई कारण नहीं है मृत्यु का, कोई वजन, कोई ऐसा कोई कमजोरी नहीं, कुछ भी नहीं। उनको ऐसा लगा कि मेरी मृत्यु हो रही है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी मृत्यु हो रही है, मैं मर रहा हूँ, तो भय पकड़ता है और हम किसी को बताते जा करके कि मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सोचा कि अगर ये मृत्यु हो रही है तो इसको देख ही लिया जाए। तो वो जा करके एक जगह लेट गए और पक्का लेट गए, ये उनके जीवन की प्रमुख घटना है, इस पर आप गौर करें। और वो पक्का लेट गए और उन्होंने अपने शरीर को ऐसा छोड़ दिया जैसे मरने के लिए छोड़ देते हैं और सोचा कि देखें तो ये होता क्या है, ये मृत्यु अगर होती है तो होती कैसे है, इसमें क्या होता है मृत्यु। और वो पड़े रहे और सोचा कि आज तो मृत्यु देख के ही उठूंगा, आज तो देखूंगा कि मृत्यु में होता क्या है, कौन मरता है, आज तो मर के ही उठूंगा। तो कई घंटे गुजर गए और अचानक उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि उनको बोध हुआ इस बात का कि मृत्यु तो होती नहीं है। उनको ये पता चला कि अरे ये शरीर पड़ा हुआ है और ये मैं हूं, तो मैं तो मरा ही नहीं। मैं सोचता था कि मैं मर जाऊंगा और मैं देखूंगा मृत्यु क्या है, पर मैं तो मरा ही नहीं। वो शरीर को देखते रहे कि शरीर पड़ा है तो शायद शरीर मर गया, पर मैं तो मरा ही नहीं, जो मैं जानना चाहता था, जानने वाला, वो तो मरा ही नहीं। ऐसी कुछ उनके भीतर घटना चल रही उनके शरीर के और उनके बीच, और फिर उनका शरीर में प्रवेश हो गया और फिर वो उठ के बैठे और खूब जोर से उनको हंसी आई। सोचा अरे मैं डरता था, मुझे घबराहट होती थी, मुझे लग रहा था कि सब जा रहा है, सब छूट रहा है, पर यहाँ कुछ छूटता जाता तो है ही नहीं। एक अद्भुत बोध उनको हुआ।